हेलो, स्वागत है आप सब क्या हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल ज्ञान हिंदी टिप्स में। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ इस बेल के आइकन को भी दबा दे ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी वेबसाइट की साइट मैप कैसे बनाते हैं प्रीमियम साइट मैप, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आप हमारे एक बार ब्लॉग वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। यहाँ पे हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी लाते रहते हैं जो आपके लिए जरूरी होता है। तो प्लीज एक बार हमारे ब्लॉग वेबसाइट को अवश्य विजिट करिए, प्रत्येक दिन खोलते रहिए, विजिट करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ आज की वीडियो में। और साथ ही जब ब्लॉग पे आइएगा तो यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आएगा, इसको अलाउ कर दीजिएगा ताकि हम नई अपडेट जैसे डालें अपने ब्लॉग पे उसका भी जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आज हम इस वेबसाइट को साइट मैप इसकी बनाएंगे प्रीमियम साइट मैप, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले गूगल ओपन करना है और उसमें हमें टाइप करना है साइट मैप। साइट मैप जब हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऊपर आपको विकिपीडिया से रिलेटेड एक लोगो इमेज आएगा और यहाँ पे इसका कुछ साइट मैप क्या है उसके बारे में जानकारी मिलेगा। आप उसे एक बार प्लीज पढ़ ले, ठीक है। और उसके बाद नीचे जब स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहाँ पे जो पहला लिंक खुल के आएगा वो शो कर रहा है https://xml/sitemap.com, ठीक है। इसको ओपन करना है। इसके बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे लेकिन इसमें कैसे ऐड करते हैं वो क्लियरली उनको पता नहीं। वो क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे आते हैं, अपने वेबसाइट का लिंक डालते हैं, मोर ऑप्शन को चूज करते हैं और यहाँ पे ऑलवेज को क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। चूज करके सिंपली स्टार्ट कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, ये पहले काम करता था लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके नीचे आपको आना है, यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन जनरेटर, प्रो साइट मैप, पीएचपी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रो साइट मैप जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बोलेगा कि अपना अकाउंट क्रिएट करिए। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद अपना वेबसाइट का यूआरएल डालना है, ठीक है। तो इसको हम क्लोज करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अपने वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करते हैं और इसमें ला करके पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आई एव रीड एग्री करके यहाँ पे क्रिएट फ्री अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके वेबसाइट में आपके ईमेल पे एक एक्टिवेशन लिंक आएगा, उसको क्लिक करके इसे एक्टिवेट करना होगा। देखिए यहाँ पे प्रो साइट मैप का आ गया, अब इस पर क्लिक करके ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे एक्टिवेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक में एक्टिव अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा और आपका यहाँ पे ईमेल आईडी और योर पासवर्ड आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। आप चाहते हैं तो यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, क्लिक टू कंफर्म पासवर्ड पर दबा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिव अकाउंट वाला फिर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, योर इसको बंद करते हैं, इधर आते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे इन प्रोग्रेस वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इस पर हम दबाते हैं। दबाने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे वेबसाइट का जो पेजेस है वो यहाँ पे रेडी हो रहा है और यहाँ पे देखिए हमारे वेबसाइट का स्क्रीनशॉट शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको एक और जरूरी बात जो है, तो ये आपका अगर वेबसाइट में 500 से अधिक पेज है तो आपको एक काम करना होगा कि एक बार में 500 पेज को फ्री में अपडेट देती है, 500 ऊपर के लिए आपको इसका प्रीमियम अकाउंट लेना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा हम बता देते हैं। आपका 500 पेज एक दिन में एक्टिवेट करा लीजिए, फिर नेक्स्ट डे 500 पेज को एक्टिव कराइए, फिर उसके नेक्स्ट डे 500 पेज का करिए। अगर आपको 2000 3000 जितना भी हो आप करा लीजिए, प्रत्येक दिन आपको 500 पेज कराइए, इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके पेज जितना होगा उसके अनुसार से इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम हमारा लेता है और कितना पेज इंडेक्स करता है। आपको टोटली यहाँ पे आ जाएगी डिटेल, यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है। अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे जो चल रहा है ये रुक जाएगा और आपके सामने यहाँ पे एक जी फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा और बता देगा कि आपका पेज इंडेक्स हो गया। 24 से 48 घंटे आपको वेट करना होगा, उसके बाद जितने आपके वेबसाइट में पेजेस होगा वो सारे के सारे पेजेस गूगल में इंडेक्स हो जाएगी, शो करने लगेगी, ठीक है। तो थोड़ा हम वेट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम में हमारा ये ले रहा है।
यहाँ पे देखिए 246 एडिट इन साइट पे, 246 पे हमारा साइट में पे ऐड हो गया। और यहाँ पे टाइम पे दिखा रहा है आपको 164 डिफेट दिखा रहा है। थोड़ा वीडियो को हम पॉज करते हैं, जब लास्ट होगा तो पुनः स्टार्ट करके बाकी का वीडियो आपको बताएंगे। अब हमारा साइट मैप जो है क्रिएटेड हो चुका है, तो देख रही है योर साइट मैप हैड बीन रिसेंटली क्रिएटेड, क्लिक हियर, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिख रहा है योर साइट मैप BTL मैक्सिमम पेज लिमिट एक्सेप्ट, ठीक है। तो आपका जो किट है आपका 500 पेज प्रोसेड में है, 4.74 MB का है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितना पेज आपका ये हुआ है गूगल में इंडेक्स, वो सबका लिंक यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। सारा जितना सॉन्ग है वो आपको आ जाएगा गूगल में, ठीक है। 500 पेज इंडेक्स हो चुका है बिल्कुल फ्री में। अगर आप इसका जिप फाइल HTML XML डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या नीचे अभी या करके आप यहाँ से भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन लिंक है, कौन कौन पेज आपको हुआ है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मेक श्योर दैट साइट मैप इंजिन सबमिट साइट मैप पेज नोट साइट मैप सबमिट डायरेक्टली फ्रॉम आवर सर्वर टू डाउनलोड इट। आपको इसको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो है ये पूरे साइट मैप है ऑटोमेटिकली सर्वर पे ही रहता है। यहाँ से आपका जो जितना वेबसाइट में पेज होगा वो सबको इंडेक्स कर देगा, ठीक है। और जो लोग डायरेक्टली फ्री वाला जो लेते थे उसको गूगल में भी वेब मास्टर में भी ऐड करते हैं और अपने सीपीएम में डालते हैं, बट इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो काम करेगा ये सर्वर का ही काम है। अगर आप चाहते हैं कि 500 पेज से अधिक है तो इनका एक प्रीमियम प्लान भी ले सकते हैं। प्रीमियम के लिए आप मेरे टू प्रो पर क्लिक करिए और यहाँ पे इनका प्लान दिखा देगा। 1000 पेजेस का 4.99 यानी कि $5 लेगा पर मंथ में, ठीक है, और अच्छा खासा रिस्पॉन्ड देगा। पेमेंट के लिए आपको पेपल से करना होगा या वीजा या डेबिट का मास्टर कार्ड लगेगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सब्सक्राइब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट का पेजेस बना सकते हैं, ठीक है, और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और वेबसाइट है तो ऐड अनदर वेबसाइट पर क्लिक करके यहाँ पर लिंक डालकर सिंपली से ऐड कर दीजिए, अपना पेज बना लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कहीं कोई दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट करें। ये था आपके लिए जो स्काईटेक PHP ऑटो इंडेक्स वेब का कोई भी वेबसाइट हो, ब्लॉगर जो भी हो, सारे वेबसाइट को इस प्रोसेस से आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसमें वेबसाइट का भी मास्टर टूल का भी कोई झंझट नहीं है। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट का साइट में बनाइए और अच्छा खासा अर्निंग करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक याद दीजिए बाय बाय। कहीं कोई दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।